तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आप अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप दोस्तों यहां पर ये देख पा रहे हो जो कि आ चुका है। तो चलिए अब इसका जल्दी से हम सॉल्यूशन बना लेते हैं और किस प्रकार से दोस्तों आप पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बना के दोस्तों अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों, इसको आपको 3 घंटे में हल करना है और पूर्णांक मिलेगा आपको इसके लिए 80 अंक। जी हाँ दोस्तों, 80 नंबर का कुल क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। और उसी के अलावा आपका जो हिंदी विषय होगा उसका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे और किस आधार पर दोस्तों आप तैयारी करें जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारियाँ अच्छी हो सके और आप अच्छे नंबर ला सकें, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इसलिए पूरा लास्ट समय तक का वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपका ये समझ में आ सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा पूरा आपका त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हल सहित। तो इसलिए आप पूरा का पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो देखिएगा ये हो चुका है, और उसके अलावा आप यहाँ से देख पा रहे हो ये आपसे निर्देश दिए गए हैं। आप सभी को ये करना है कि निर्देशों को भली भांति पूर्वक अच्छे से जरूर पढ़ लेना है और समझ लेना है जिससे कि ये आपको पूरे समझ में आ सकें और आप इनको पढ़ सकें। तो चलिए अब इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन को देखते हैं कि किस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बना सकते हैं और इन क्वेश्चन को आप हल करके या आप चाहे तो इनका स्क्रीन शॉट लेकर भी रख सकते हो जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पूरा सोल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इस जगह से देख पा रहे हो, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प आपसे किस प्रकार से पूछे जाएंगे उनको भी आप इस जगह से देख लें। जैसे कि कबीर की भाषा को कहा जाता है, कबीर की भाषा कैसी भाषा है दोस्तों आप यहां से देख पा रहे हो, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी पंचमेली खिचड़ी भाषा है, आपको यहां से ये लिख लेना है। खंडकाव्य पथिक निम्न की रचना है, किसकी है दोस्तों खंडकाव्य, तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ये आपको लिख लेना है। अगला लिखा है निम्न में से छायावादी कवि, छायावादी कौन है दोस्तों इनमें से, तो यहाँ से छायावादी कवि का नाम आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। और उसी के अलावा अगला लिखा है अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं, देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका प्रेमचंद। व उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, कोई की खुदाई किस औजार से की जाती है, तो कोई की खुदाई दोस्तों बसोली से की जाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें भी हमको दिया गया है जनसंचार के माध्यम में टेलीविज़न मोबाइल पुस्तकें व समाचार और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी के ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है लता चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है, तो ये लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला लिखा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है, तो ये है दोस्तों उदंत मार्तंड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को कहते हैं, इस छंद को दोस्तों वर्णिक छंद कहते हैं, आपको ये लिख लेना है। अगला लिखा है तुम तो उल्लू हो वाक्य में शब्द शक्ति है, देखिएगा दोस्तों इसमें कौन से शब्द शक्ति है, लक्षणा है कि व्यंजना है, तो देखिएगा दोस्तों तुम तो उल्लू हो इसमें दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति है, आपको ये लिख लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों अगला देखें, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर रही है समाज की घर की, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपको लिख लेना है घर की, कौन सा ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा अगला लिखा है देखिएगा कबीर दास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी है, कितनी ईश्वर की मानी है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 1। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, ये कथन प्रेमचंद की कहानी का है, कौन सी कहानी का है दोस्तों, पंच परमेश्वर या नमक का दरोगा, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नमक का दरोगा का दारोगा। और इसके अलावा आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो सत्य असत्य आपसे पूछे जाएंगे, इस जगह से आप इसको देख लीजिएगा। सत्य असत्य में अगर देखा जाए तो पहला दे रखा है पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, देखिएगा पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, तो ये पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा। अगला लिखा है भक्तिकाल के प्रमुख कवि सूर तुलसी मीरा और कबीरदास हैं, तो ये पूरी तरह से सही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो देखिएगा ये भी आपका सही है।
मियाँ नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला लिखा है स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है, तो ये भी आपका असत्य है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों आगे लिखा है, तो आगे के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप यहाँ से इनको देख लें और समझ लें। देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा है सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी को आप किस प्रकार से मिलान कर सकते हो वो भी हम देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है, दिल्ली के निकट। देखिएगा आप यहाँ से देख लें कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, दिल्ली के निकट सही गांव में हुआ था। इसके अलावा नरसी जीरो मायरो ये किसकी रचना है दोस्तों, ये रचना है मीराबाई की। किसकी? मीरा, ये इसकी रचना है मीराबाई की, तो आप इसकी जोड़ी मीराबाई से मिलाएं। नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है? मीराबाई की। इसके अलावा स्वर साम्राज्ञी, स्वर साम्राज्ञी कौन है दोस्तों, तो इसकी जोड़ी मिलानी है आपको लता मंगेशकर। कौन है? लता मंगेशकर। इसके अलावा अगला लिखा है अनुपम मिश्र, अनुपम मिश्र की आपको लगानी है राजस्थान की रजत बूंदे। शेखर जोशी, शेखर जोशी की जोड़ी आपको मिला लेनी है किससे? शेखर जोशी की जोड़ी आपकी मिल जाएगी गलता लोहा। किससे? गलता लोहा से मिल जाएगी। कहानी सम्राट कौन है दोस्तों? कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। वह उसी के अलावा दोस्तों आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कृष्ण की। किसकी आराधना करती रही? कृष्ण की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो देखिएगा इसका सही अर्थ है बड़े दिनों बाद मिलना। क्या हो जाएगा? बड़े दिनों बाद मिलना, बड़े दिनों बाद मिलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े दिनों बाद मिलना। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है किन्हीं दो महाकाव्यों में काव्यों एवं दो खंडकाव्यों के नाम लिखिए। देखिएगा महाकाव्यों में दो आप लिख सकते हो, एक तो आप चाहे तो साकेत लिख लें, साकेत के अलावा दोस्तों आप कामायनी लिख सकते हो, कामायनी, साकेत और कामायनी महाकाव्य हो गए आपके। और उसके अलावा अगर देखा जाए खंडकाव्य, तो खंडकाव्य आप क्या लिख सकते हो? देखिएगा आप खंडकाव्य में एक तो लिख सकते हो पंचवटी, क्या लिख सकते हो? पंचवटी, और दूसरा लिख सकते हो सुदामा चरित, सुदामा चरित आप इसको लिख सकते हो सुदामा चरित, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। क्या हो जाएगा? मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, 5 रुपये चाहिए हो जाएगा, तो ये आप लिख लें चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, लिखिए। भक्ति काल को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, और दो के बाद में देखिएगा दो भाग भी कौन कौन से है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। आगे देखते हैं, तो देखिएगा अगला लिखा है कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? कबीरदास जी ने कुमार को दोस्तों ईश्वर का प्रतीक माना है। किसका? ईश्वर का। इसके अलावा अगला लिखा है छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, तो छायावाद के जो आधार स्तंभ कवि है उनमें पहला नाम आता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, और दोस्तों इनका प्रसिद्ध उपन्यास है कामायनी। जयशंकर प्रसाद के बाद में सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत आप दूसरा नाम लिख लें, सुमित्रा नंदन पंत। और इसके अलावा अगला लिख लें आप महादेवी वर्मा, क्या लिख लें? महादेवी वर्मा आप इसका नाम लिख लें, महादेवी वर्मा। देखिएगा दोस्तों पूरा हो चुका है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये दे रखे हैं आपको, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की, छायावादी काव्य के आधार स्तंभ, रीतिकाल के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की विशेषताएँ। तो सभी के सभी क्वेश्चंस जो दोस्तों यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये दे रखे हैं, और उसी के अलावा कुछ क्वेश्चंस ये दे रखे हैं, आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और इनको नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ सके और आगे भी आप आगे के क्वेश्चंस देख पा रहे हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका दोस्तों परीक्षाओं में इसी प्रकार का आने वाला है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारे द्वारा बताया जा रहा है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेंगे, जिससे कि आपकी पूरी तैयारियां हो सकें। दोस्तों इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट हो रही है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।